Let's come to the last law of the motion, which is called the third law of motion. Now, this law states that when one object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first. These forces are equal in magnitude and opposite in direction. Hence, the forces are called action and reaction. Now, this law is my personal favorite. बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सिंपल है और शायद आपको आधे से ज़्यादा चीज़ तो डेफिनेशन सुन के ही समझ में आ गई होगी सिंपली मैं आपको कैसे समझाऊँ मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया किसी पे एंड यू स्लैप दैट पर्सन तो उससे क्या होगा आपने एक एक्शन किया उसकी वजह से क्या होगा दैट पर्सन विल ऑल्सो बिकम एंग्री और हो सकता है कि आपको वो वापस एक और स्लैप लगा दे तो ही डिड द रिएक्शन दिस इज़ दी थर्ड लॉ एसेंशियली आपने एक एक्शन किया और आपको पलट के वापस सेम एक रिएक्शन मिल गया अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हेंस द फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन बट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन नाउ रिमेंबर कि हम ऐसा बोल तो रहे हैं कि आपने एक फोर्स लगाया दैट वॉज कॉल्ड द एक्शन और आप पे एक अपोजिट इक्वल फोर्स लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आपके दिमाग में थॉट आएगा कि अगर फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में ही है तो वो बैलेंस फोर्सेज हमने पढ़ा था वैसा वाला सिनेरियो हो जाएगा फोर्स इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो कैंसल आउट कर देंगे बट ऐसा केस नहीं होता है और ऐसा क्यों होता है बिकॉज वीज फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं हाँ अगर सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते तो ऑब्वियसली कैंसिल कर देते बट बिकॉज दे आर बींग अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देर डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर अब इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने बहुत सारी जगह देखा होगा इनफैक्ट आप एवरी डे लाइफ में देखते हैं हम इसको हम अगर क्वान्टिटेटिवली प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे वी टेक टू स्प्रिंग बैलेंसेस स्प्रिंग बैलेंसेज आपके घर में अगर कोई स्क्रैप कलेक्टर बेसिकली रद्दी वाला आया होगा तो वो जनरली ऐसा कोई स्प्रिंग वाला बैलेंस ही लेके आएगा इन विच ही मेजर्स द वेट ऑफ द स्क्रैप यू हैव कलेक्टेड एंड देन गिव यू द मनी अप्रोप्रिएटली तो वैसा ही हम एक स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे एक स्प्रिंग बैलेंस आपने अपने हाथ में रख रखा है और दूसरे एंड उस स्प्रिंग बैलेंस का अपने एक दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से अनेक्ट कर रहा है एंड फाइनली दैट थिंग इज कनेक्टेड टू अ वॉल अब क्या होगा जब आप ये स्प्रिंग बैलेंस ऐसे पुल करोगे तो ऑब्वियसली ये कुछ रीडिंग दिखाएगा अब होगा क्या दिस फोर्स विल बी कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन अब इससे क्या होगा ये स्प्रिंग बैलेंस इस पे उतना ही फोर्स इक्वली लगा रहा है बिकॉज दिस इज शोन बाय द इक्वल अमाउंट शोन इन दिस स्प्रिंग बैलेंस एज वॉर शोन इन दिस वन मतलब क्या हुआ आपने फोर्स ऑफ एक्शन जितना लगाया इस स्प्रिंग बैलेंस ने भी उतना ही लगा दिया यहां से खींच के विच शोज दैट एफ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ रिएक्शन बिकॉज द स्प्रिंग बैलेंसेज शो द इक्वल अमाउंट बट द फोर्सेज आर बींग अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम देखते हैं द गन आपने कभी भी गन फायर करी हो मतलब गन फायर करते हुए आपने कोई मूवी में देखी हो या आपने गेम्स वगैरह में देखी हो सो वी यूज द टर्म रिकॉयल अभी रिकॉयल एसेंशियली क्या होता है सी जब भी हम गन में से बुलेट फायर करते हैं तो ऑब्वियसली वो बुलेट का जो एक्सेलिटिंग फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अब वो जो एक फ़ोर्स लगा रहा है तो अब फोर्स उसको कैसे मिला हमारे गन में एक छोटा सा अंदर एक्सप्लोजन होता है जिसकी मदद से वो बुलेट को इतना ज़्यादा फोर्स मिलता है बेसिकली दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन अब फोर्स ऑफ एक्शन हुआ है मतलब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ रिएक्शन भी होगा और वो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट पे होता है तो मतलब क्या होगा जब ये बुलेट इस गन में से निकली तो उसने उस, उस पर जितना फोर्स लगाया होगा गन ने उतना ही फोर्स वो पीछे गन पे खुद पे भी लगा देगी सो दे फो वी हैव अ रिकॉयल गन ऐसे उछल के थोड़ी पीछे आएगी दिस थिंग इज कॉल्ड द रिकॉयल ऑफ द गन और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम जैसे गन फायर करते हैं तो इसमें ऐसे रिकॉयल हुआ दैट्स वाई वी कीप द गन ऑन द शोल्डर अगर आप ऊपर रखोगे तो फिर आपकी गन हाथ से छूट जाती है इसकी वजह से जो फायरमैन होते हैं वो गन को अपने शोल्डर पे रखते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा फोर्स इस साइड अप्लाई होगा सो दे हैव टू कंट्रोल द गन हैंज दे कीप इट ऑन दी शोल्डर नेक्स्ट हमारे पास में है रॉकेट प्रपलजन ये कैसे होता है रॉकेट में हमारे पास में होता है हाइड्रोजन फ्यूल ये क्या होता है सेम थिंग है जो घर में हो रहा है बट बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल की वजह से एक एक्सप्लोजन होगा उसकी वजह से वो जो फ्यूल होगा हमारे फोर्स लगाएगा कहाँ फोर्स लगाएगा रॉकेट के साइड पे बिकॉज व्हेन द एक्सप्लोजन इज हैपनिंग द हाइड्रोजन फ्यूल गैस इज गेटिंग एग्जर्टेड आउट ऑफ द रॉकेट मतलब फ्यूल पे नीचे की तरफ फोर्स लगा तो फ्यूल ने क्या किया उतना ही फोर्स ऊपर रॉकेट की तरफ लगा दिया एंड द रॉकेट गेट्स लिफ्टेड ऑफ़ और भी हमारे पास में बेस्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एक उसमें से है रोइंग ऑफ द बोट सेम थिंग अप्लाई हो रही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है बस मैं एग्जाम्पल्स चेंज करे जा रहा हूँ हम बोट भी इसी वजह से चला पाते हैं जब हम बोट को पीछे की तरफ रो करते हैं बेसिकली हमारे जब रो करने की वजह से हम एक फ़ोर्स लगा रहे हैं कहाँ पे लगा रहे हैं हमारे रिवर पे रिवर के जो वाटर है उसमें हमें फ़ोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स जब हम लगाते हैं तो वाटर भी हम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक लगाएगा जिसकी वजह से हमारी बोट मूव करती है एंड द बेस्ट रिलेटेबल एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वॉकिंग इट सेल्फ आप चल भी थर्ड लॉ की वजह से ही पाते हो इसमें क्या होता है वेन आई वॉक लाइक दिस आई एम पुशिंग द ग्राउंड बिहाइंड मैं ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ एंड द ग्राउंड इज ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल इन अपोजिट दैट्स वाई आई एम एबल टू मूव सो दीज आर आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन